सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने में अब हम उनकी चर्चा करेंगे जब हमारे लिए इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर दोनों निकालने के बीच में टाई है। जैसे जब हम लोग देखते हैं सॉल्व करने के दौरान हमारा पहला कॉलम क्या, पहला कॉलम होता है सीबी यानी कोफिशियंट इन बेसिक वेरिएबल, दूसरा कॉलम हमारे पास होता है कैपिटल बी वेरिएबल इन बेसिस, तीसरा कॉलम होता है स्मॉल बी दैट इज इक्वल टू एक्स बी यानी वैल्यू ऑफ द बेसिक वेरिएबल। यहाँ पर हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल हो रहे होते हैं वो होते हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एस वन एस टू, इसी तरह आर्टिफिशियल मान लो आ गए ए वन ए टू। जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे टेबल तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं जे जे, इसके ठीक ऊपर मौजूद होता है सी जे और यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं सी वन माइनस जेड वन, फिर अगला कैलकुलेट करते हैं सी टू माइनस जेड टू, इसी तरह कैलकुलेट करते हैं सी थ्री माइनस जेड थ्री, अगला सी फोर माइनस जेड फोर। सो जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं लार्जेस्ट पॉजिटिव या लार्जेस्ट नेगेटिव इनकमिंग वेक्टर के तौर पर, वो केस मैक्सिमा का हो सकता है मिनिमा का हो सकता है, जैसा केस होगा उसी के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट पॉजिटिव और लार्जेस्ट नेगेटिव चुनेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैक्सिमा का केस लें तो मैक्सिमा के केस में जब आर सी जे माइनस जेड जे लेस देन आर इक्वल टू जीरो होता है तो ये कंडीशन ऑफ ऑप्टिमेलिटी होती है, मतलब हमारी सारा का सारा फोकस हमारा इस पर रहता है कि जब मेरे सारे सी जे माइनस जेड जे लेस देन आर इक्वल टू जीरो आ जाए प्रोसेस रोक दिया जाएगा, वहां मौजूद सोल्यूशन हमारे लिए सोल्यूशन बन सकता है। लेकिन अगर एक या एक से ज्यादा सी जे माइनस जेड जे आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, एक या एक से ज्यादा, जैसे हम कह रहे हैं सी वन माइनस जेड वन पॉजिटिव आ गया, इसके बाद हमारे पास सी टू माइनस जेड टू पॉजिटिव आ गया, हमारे पास सी थ्री माइनस जेड थ्री पॉजिटिव आ गया और बाकी के सारे नेगेटिव आ गए, तो ये जो तीन पॉजिटिव आए हैं इस तीन पॉजिटिव में से हम लोग लार्जेस्ट पॉजिटिव को चुनते हैं। जैसे सी टू माइनस जेड टू ये मैंने चुन लिया लार्जेस्ट पॉजिटिव है, और अगर ये लार्जेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्स टू बेसिस में एंटर कर जाएगा, और यहाँ पर हम लोग मिनिमम एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उससे पता चलता है कि कौन बेसिस को छोड़ करके जाएगा। अब जो बेसिस को छोड़ करके जाएगा उसकी जगह पर x2 बेसिस में इंटर करेगा और यहाँ x2 का कोफिशिएंट आ जाएगा, टेबल को मॉडिफाइड करेंगे, ये सारा काम हम लोग करते चले आए हैं। दिक्कत ये है अगर c2 माइनस z2 और c3 माइनस z3 ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो इसको बोलते हैं टाई हो जाना, यानी अब हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम किसको इनकमिंग वेक्टर के तौर पर लें किसको हम इनकमिंग वेक्टर के तौर पर ना लें बल्कि उसको एज इट इज छोड़ दिया जाए, तब ये होता है टाई बिटवीन इनकमिंग वेक्टर कि आप कौन सा वेक्टर इनकमिंग होगा उसके बीच में टाई होना है। ठीक ऐसी सिचुएशन बनती है आउटगोइंग वेक्टर, जब आप मिनिमम एक्सचेंज रेशियो निकाल रहे हो तो एक या एक से ज्यादा मिनिमम एक या एक से ज्यादा जो रेशियो है वो आपस में बराबर आ जाए, जब ये आपस में बराबर आ जाएंगे फिर हमारे सामने दिक्कत होगी कौन बेसिस को छोड़ करके जाएगा। अब इन्हीं की चर्चा होगी टाई बिटवीन इनकमिंग एंड टाई बिटवीन टू इनकमिंग वेक्टर एंड टाई बिटवीन टू आउटगोइंग वेक्टर। शुरुआत करते हैं लिखने की, रूल बहुत क्लियर है, अगर एग्जाम टाइम में सॉल्व करने के दौरान हम ये भूल जाते हैं कि कैसे इनकमिंग वेक्टर और कौन सा आउटगोइंग वेक्टर कैसे हम टाई होने के बाद हम सॉल्व कैसे करें, तो बहुत सा क्लियर रूल है, जो आपका मन है उसको इनकमिंग वेक्टर के तौर पर चुनो, जो आपका मन है उसको आप आउटगोइंग वेक्टर के तौर पर चुनो, ये आर्बिट्री सिलेक्शन होता है, मेरे मन के ऊपर डिपेंड करता है। दिक्कत ये आती है कि जब हम आर्बिट्री सिलेक्शन कर लेते हैं तो ऐसे में सॉल्व करने के दौरान टेबल्स की संख्या बढ़ सकती है, यानी प्रोसेस ऑफ इटरेशन जो आपका है वो बढ़ सकता है, हो सकता है कि अगर आप मेन रूल को फॉलो करो जैसा रूल बताया जाएगा उस रूल को फॉलो करने पर दो टेबल में ही आपका काम हो जाए, दो टेबल में आप कंडीशन ऑफ ऑप्टिमलिटी पर पहुंच जाओ, लेकिन अगर आप रूल को फॉलो ना करो यानी आपने आर्बिट्री सिलेक्शन कर लिया तो हो सकता है कि आपकी चार से पांच टेबल चली जाए, तीन टेबल चली जाए, टेबल ज्यादा हो सकती है एग्जैक्टली वही टेबल भी आ सकती है, उतने ही नंबर में इटरेशन हो सकता है जितने में रूल फॉलो करने पर हो, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये रूल हमको याद रहना है, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर भूल जाते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, आर्बिट्री सिलेक्शन कर लिया जाएगा। न्यूमेरिकल करने पे भी और क्लियर करते हैं, पहले थ्योरी इसकी लिख ली जाए, हेडिंग डाल देना टाई फॉर एंटरिंग बेसिस वेरिएबल, टाई फॉर एंटरिंग बेसिक वेरिएबल या इसको हम एक और कह सकते हैं टाई बिटवीन की कॉलम्स
टाइम बिटवीन की कॉलम्स डैश कर देना और थ्योरी लिखने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखना है इसमें व्हाइल सॉल्विंग एन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, व्हाइल सॉल्विंग एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान देयर इज अ सिचुएशन, देयर या लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं, व्हाइल सॉल्विंग एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम if there is a time, if there is a time, if there is a time between, if there is a time between key columns, between key columns then selection can be made, या हम थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, व्हाइल सॉल्विंग एन एलपीवी इफ देयर इज अ टाई बिटवीन, ठीक सर, इफ देयर इज अ टाई बिटवीन की कॉलम्स देन सिलेक्शन कैन बी मेड, सिलेक्शन कैन बी मेड आर्बिट्री, सिलेक्शन कैन बी मेड आर्बिट्री। अगर किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान हमारे की कॉलम के बीच में टाई हो जाता है, यानी एक या एक से ज्यादा सीजे माइनस जेडजे आपस में बराबर आते हैं, मैक्सिमा के केस है तो हम इनकमिंग के तौर पर लार्जेस्ट पॉजिटिव को चुनते हैं, मिनिमा का केस है तो इनकमिंग वेक्टर के तौर पर हम लोग लार्जेस्ट नेगेटिव को चुनते हैं। ऐसी सिचुएशन जैसे हम मैक्सिमा का केस डील कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान से समझना इसको सब लोग, मान लो हम मैक्सिमा का केस डील कर रहे हैं और C2-Z2 और C4-Z4 इन दोनों की ही वैल्यू लार्जेस्ट पॉजिटिव में एक बराबर बैठती है, जैसे ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, तो ऐसे में इनकमिंग वेक्टर के तौर पर इसके ऊपर बैठे हुए X2 को चुना जाए या इसके ऊपर जो वेरिएबल बैठा है उसको चुना जाए, किसे चुना जाए, ऐसे में हम अपनी मर्जी से चाहे इसको चुन लें चाहे इसको, सिलेक्शन कैन बी मेड आर्बिट्रेरी, आपका जिसे मन आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो इनकमिंग वेक्टर के तौर पर। फिर आगे लिखना फुल स्टॉप करके, सिलेक्शन कैन बी मेड आर्बिट्रेरी। इसके बाद हाउएवर, हालांकि द नंबर ऑफ इटरेशन रिक्वायर्ड टू अराइव The number of iteration required to arrive at the optimal solution, at the optimal solution can be minimized by adopting the following rules dash लिखा गया है while solving an linear programming problem, जब हम किसी linear programming problem को solve कर रहे हैं, if there is a tie between key columns, अगर key column के बीच में tie हो जाता है, then तब ऐसे केस में selection can be made arbitrarily, आपका जो मन आप उसमें incoming vector के तौर पर चुन सकते हो। However, हालांकि ऐसा होता है,
the number of iteration required to arrive at the optimal solution. ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए आपको जितने नंबर ऑफ स्टेप की जरूरत होती है, जितने नंबर ऑफ इटरेशन की जरूरत होती है, यानी इतनी बार काम करें तो हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये नंबर कम किए जा सकते हैं बाय अडॉप्टिंग, कैन बी मिनिमाइज्ड, कम किए जा सकते हैं, कंफर्मली कम होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, कैन बी मिनिमाइज्ड, कम किए जा सकते हैं बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग रूल्स, नीचे लिखे गए रूल्स को मानते हुए हम इस इटरेशन के नंबर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं. रूल्स लिखते हैं. सबसे पहला रूल, इफ देयर इज अ टाइम between two decision variables, if there is a tie between two decision variables, selection can be made arbitrarily. Selection can be made arbitrarily. अगर ऐसा होता है कि दो डिसीजन वेरिएबल के बीच में टाई होता है, हमारे पास टोटल तीन तरह के वेरिएबल होते हैं. एक हमारे पास डिसीजन वेरिएबल होते हैं जिनको हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हमारे पास स्लैक वेरिएबल होते हैं जिनको हम स्लैक या सरप्लस दोनों को हम si या sj से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास आर्टिफिशियल होते हैं जिनको हम ai या aj से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर ऐसा हुआ कि दो डिसीजन वेरिएबल के बीच में टाई हो गया, बेसिस में कौन जाएगा ये पता करना है. cj माइनस zj कैलकुलेट किए गए, वापस समझना, cj माइनस zj कैलकुलेट किए गए, मुझको ये पता चलता है कि दो cj माइनस zj लार्जेस्ट पॉजिटिव आ गए और दोनों आपस में बराबर आ गए. जैसे एग्जांपल के तौर पर c3 माइनस z3 और c4 माइनस z4 ये दोनों लार्जेस्ट पॉजिटिव आ गए. अब हम देखें c3 माइनस z3 किसके लिए लिखा गया है. अगर ये लिखा गया है x3 के लिए, c4 माइनस z4 लिखा गया है x4 के लिए, तो ये दोनों डिसीजन वेरिएबल है. अब जो टाई हुआ है वो डिसीजन वेरिएबल के बीच में हुआ है. अब या तो बेसिस में x3 जाएगा और या तो बेसिस में x4 जाएगा. अगर ये टाई डिसीजन वेरिएबल के बीच में हुआ है तो हम डिसीजन वेरिएबल में आर्बिट्री सिलेक्शन करेंगे. मेरी मर्जी, हम चाहे तो x3 में बेसिस को ले सकते हैं, मेरी मर्जी हम चाहे तो x4 को बेसिस में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आर्बिट्री सिलेक्शन कीजिए और आगे बढ़ जाइए. दूसरा रूल, select decision variable to enter the basis. अगर ऐसा होता है कि
आपके डिसीजन वेरिएबल एक्स आई और स्लैक या सरप्लस वेरिएबल एस जे के बीच में टाई होता है। इनके लिए आपने निकाला, तो इनके लिए जो सी जे माइनस जेड जे आया लार्जेस्ट पॉजिटिव, इनके लिए आपने निकाला सी जे माइनस जेड जे लार्जेस्ट पॉजिटिव, और दोनों आपस में बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पर इसका सी जे माइनस जेड जे 20 आ गया, बगल वाले का भी सी जे माइनस जेड जे 20 आ गया, और यही लार्जेस्ट पॉजिटिव। हर बार जब हम लार्जेस्ट पॉजिटिव बोल रहे हैं तो मेरे दिमाग में मैक्सिमा का केस बना हुआ है, ये ख्याल रखना। मिनिमा का केस होगा तो लार्जेस्ट नेगेटिव को चुना जाएगा। अब XI के लिए लार्जेस्ट पॉजिटिव 20, SJ के लिए लार्जेस्ट पॉजिटिव 20, दोनों बराबर हो गए, तो कौन बेसिस में इंटर करेगा? ऐसे में प्रेफरेंस मिलेगी डिसीजन वेरिएबल को। वापस याद करना, दो डिसीजन के बीच में टाई होगा, कोई भी आर्बिट्री सिलेक्शन आप कर लीजिए, दोनों ही डिसीजन वेरिएबल हैं, दोनों में से कोई भी बेसिस में इंटर कर सकता है। डिसीजन के और स्लैक के बीच में टाई हुआ, डिसीजन चुना जाएगा। डिसीजन के सरप्लस के बीच में टाई हुआ, डिसीजन चुना जाएगा। डिसीजन के आर्टिफिशियल के बीच में टाई हुआ, डिसीजन चुना जाएगा। हर बार जब दो लोगों में टाई हो रहा है इनकमिंग वेक्टर के तौर पर और उसमें से एक डिसीजन वेरिएबल है, तो निश्चित तौर पर प्रेफरेंस डिसीजन वेरिएबल को ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। और दोनों डिसीजन वेरिएबल है तो सिलेक्शन आर्बिट्री, मेरा मन चाहा, जिसको मन किया उसको एंटर करना है, जिसको मन किया उसको छोड़ दे। इसी चीज को लिखा गया है, इफ देयर इज अ टाई बिटवीन अ डिसीजन वेरिएबल एंड अ स्लैक और सरप्लस वेरिएबल, सेलेक्ट डिसीजन वेरिएबल टू इंटर द बेसिस। आप डिसीजन वेरिएबल को सेलेक्ट कीजिए बेसिस में इंटर करने के तौर पर। अगला लिखना थर्ड, इफ देयर इज अ टाई बिटवीन टू स्लैक और सरप्लस, If there is a tie between two slack or surplus variables, ठीक, dash, सिलेक्शन कैन बी मेड आर्बिट्रली, सिलेक्शन कैन बी मेड आर्बिट्रली, सिलेक्शन कैन बी मेड आर्बिट्रली। वापस पर ध्यान रखना, अगर ऐसा होता है कि दो स्लैग के बीच में टाई हो जाता है, स्लैग दोनों के बीच में टाई होता है, तो जिसकी मर्जी उसको इनकमिंग वेक्टर के तौर पर चुन ले, अगले को छोड़ देंगे, आर्बिट्री सिलेक्शन। अगर स्लैक के और सरप्लस के बीच में टाई होता है, आर्बिट्री सिलेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्टिफिशियल तो वैसे भी नहीं होगा, आर्टिफिशियल के लिए जाओ, इनिशियल में जैसे मैंने आर्टिफिशियल का इस्तेमाल किया, तो जब इनिशियल सॉल्यूशन सेटअप कर रहे होंगे तो इनिशियल सॉल्यूशन सेटअप के दौरान आर्टिफिशियल बेसिस में मौजूद होगा, और एक बार आर्टिफिशियल बेसिस को छोड़ करके चला गया तो इसका कॉलम डिलीट कर दिया जाएगा, तो आर्टिफिशियल के लिए तो ये कंडीशन बनेगी ही नहीं। जब भी टाई होगा 99% केसेस या 100% केसेस में जब भी टाई होगा, टाई हमेशा होगा डिसीजन वेरिएबल के बीच में, टाई हमेशा होगा डिसीजन वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल के बीच में, टाई हमेशा होगा डिसीजन वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल के बीच में, टाई होगा स्लैक वेरिएबल के और स्लैक वेरिएबल के बीच में, टाई होगा सरप्लस वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल के बीच में। हर बार अगर इनमें से एक डिसीजन है तो डिसीजन को प्रेफरेंस मिलेगा, और अगर दोनों सेम कैटेगरी के हैं, चाहे दोनों स्लैक के हो, चाहे दोनों सरप्लस के हो, या स्लैक सरप्लस के हो, कैन बी मेड आर्बिट्रली, जिसको मन कहे उसको सिलेक्ट करे, जिसको मन कहे उसको छोड़ दिया जाएगा। इसी चीज को लिखा गया है, इफ देयर इज अ टाई बिटवीन टू स्लैक वेरिएबल्स और बिटवीन टू सरप्लस वेरिएबल और स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स, सिलेक्शन कैन बी मेड आर्बिट्रली, आप सिलेक्शन को मनचाहा ले सकते हैं। समरी के तौर पर याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, छोटे हिस्से में कैसे याद करेंगे। लिखने के लिए कहीं भी ऐसे रफ पर लिखा जा सकता है, जैसे डिसीजन विद डिसीजन। अगर दो डिसीजन के बीच में टाई हो रहा है, ठीक, डिसीजन विद डिसीजन,
तो सिलेक्शन आपका होगा आर्बिट्री, मनचाहा सिलेक्शन, चाहे जिसको आप चुन लीजिए इनकमिंग वेक्टर के तौर पे, चाहे जिसको आप छोड़ दीजिए। अगर डिसीजन विद आर्टिफिशियल टाइप होता है, सॉरी आर्टिफिशियल डिसीजन विद सरप्लस, डिसीजन विद सरप्लस टाइप होता है तो हमेशा प्रेफरेंस जिसको मिलेगी, यहां हम प्रेफरेंस लिख रहे हैं, प्रेफरेंस इनकमिंग वेक्टर के तौर पर यहां लिख देते हैं टाई, ये याद करने का तरीका है, टाई बिटवीन इनकमिंग, टाई बिटवीन इनकमिंग वेक्टर, टाई बिटवीन इनकमिंग वेक्टर, और उधर प्रेफरेंस लिख रहे हैं। अगर डिसीजन का डिसीजन के साथ टाई अप होता है आर्बिट्री सिलेक्शन कीजिए, डिसीजन का सरप्लस के साथ होता है तो प्रेफरेंस डिसीजन वेरिएबल को मिलेगी, अगर सरप्लस का सरप्लस विद सरप्लस आता है, सरप्लस विद सरप्लस आर्बिट्री सिलेक्शन, ठीक, अगर सरप्लस विद आर्टिफिशियल आता है, सॉरी आर्टिफिशियल बार बार कह रहे हैं, सरप्लस विद स्लैक आता है सिलेक्शन आर्बिट्री होगा, ठीक, अगर दो स्लैक के बीच में टाई होता है स्लैक विद स्लैक, स्लैक विद स्लैक फिर से आर्बिट्री सिलेक्शन, ठीक, ये रहा। हर बार ये याद रखना है डिसीजन डिसीजन के साथ आएगा आर्बिट्री सिलेक्शन, डिसीजन का सरप्लस के साथ डिसीजन को वरीयता दीजिए, सरप्लस सरप्लस के बीच में टाई हो आर्बिट्री सिलेक्शन, सरप्लस स्लैग के बीच में टाई हो आर्बिट्री सिलेक्शन, दो स्लैग के बीच में टाई हो आर्बिट्री सिलेक्शन, तो सारे केसेस आर्बिट्री हैं, केवल बस जब डिसीजन किसी के साथ आएगा, एक और लिख देते हैं यहां पर डिसीजन विद स्लैग, चाहे तो यहीं लिख देना चाहे यहां, डिसीजन विद स्लैग, डिसीजन विद स्लैग, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी डिसीजन को, ये याद करने का एक छोटा सा तरीका है। अब जिन लोगों को सही लगता है वो लोग लिख सकते हैं, और अगर याद रहे तो वैसे याद रखने की ही चीज है, नॉर्मली याद रखो ये ज्यादा अच्छा है, प्रेफरेंस का क्या हाल है नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। दिमाग में रूल एकदम क्लियर रखने हैं इसमें, मेरे लिए हमेशा डिसीजन वेरिएबल ही प्राथमिकता मिलेंगे, हमेशा प्राथमिकता जो भी दी जाएगी वो डिसीजन वेरिएबल को ही दी जाएगी, टाइप में अगर डिसीजन है दोनों के दोनों नो डाउट आप किसी को भी ले सकते हो किसी को भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर कोई भी एक डिसीजन रहा तो प्राथमिकता डिसीजन को ही दी जाएगी किसी और को नहीं दी जाएगी। इसके बाद अगली हेडिंग में पड़ेगी वो होगा टाई फॉर लिविंग बेसिक वेरिएबल, यानी की रो के बीच में टाई होना, ये डिजेनरेसी का केस होता है, अगर आपके मिनिमम एक्सचेंज रेशियो के बीच में टाई हो जाए तो यही डिजेनरेसी है। टाई फॉर लिविंग बेसिक वेरिएबल, टाई फॉर लिविंग, टाई फॉर लिविंग बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल, ठीक, इसको हम लोग की रो भी बोलते हैं, की रो, और ये केस होता है डीजेनरेसी का। डीजेनरेसी ब्रस्टर जिसको कहा जाता है, इसमें लिखना इन ऑर्डर टू ब्रेक, अब ये याद रखना कुछ चीजें और इसमें शॉर्ट कर रहे हैं उतनी थ्योरी नहीं है, टाइप ऑन लिविंग बेसिक वेरिएबल, जैसे हम लोग मिनिमम एक्सचेंज रेशियो निकालते हैं, तो जब मिनिमम एक्सचेंज रेशियो निकालते हैं वो होता है एक्सबी अपॉन XI कौन, ये वो वेक्टर के कोफिशिएंट होते हैं जो इनकमिंग के तौर पर लिया जा रहा होता है। अगर ऐसा हो कि एक या एक से ज्यादा, सॉरी एक पर हो तो हमारा काम आसान है, अगर दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए
मिनिमम एक्सचेंज रेशियो आपस में बराबर आ गए। अब मेरे सामने दिक्कत यह है, हम किसको ये करें कि कौन बेसिस को छोड़ करके जाएगा और कौन बेसिस में रह जाएगा। एग्जाम टाइम में रूल भूल गए, आर्बिट्री सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ सकता है, टेबल थोड़ी सी ज्यादा बन सकती है, इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, आंसर आपका सही आएगा। तो अगर एग्जाम में रूल भूल गए तो आर्बिट्री सिलेक्शन कर लेंगे, और अगर रूल याद रखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, तब हम अगला काम आगे बढ़ा सकते हैं। लिखना इसमें In order to break the tie, in order to break the tie, in the minimum exchange ratio, the selection can be made arbitrarily. सबसे मेन यही है, आप सारा रूल भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है, आप आर्बिट्री सिलेक्शन कर लो और काम आगे बढ़ा दो। लेकिन फिर भी अगर आपको रूल याद रखते हैं तो आपका काम थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। द सिलेक्शन कैन बी मेड आर्बिट्रली, आगे लिखना हाउएवर, हालांकि the number of iterations required to arrive at the optimal solution can be minimized by adopting following rules. लेकिन नंबर ऑफ इटरेशन को कम किया जा सकता है नीचे लिखे गए रूल को एडॉप्ट करते हुए, यानी अगर हम रूल को फॉलो करेंगे तो हम थोड़ा जल्दी से अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन पा जाएंगे। शुरुआत करते हैं, सबसे पहला रूल लिखना, ये हो जाए तो फिर यहीं पर लिखते हैं पहला। लिखना डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ स्लैक वेरिएबल्स, divide the coefficient of slack variables। ध्यान देना, जो टेबल बनी हुई है, अगर उस टेबल में मिनिमम एक्सचेंज रेशियो आपस में बराबर हो गए, एक दो या दो से ज्यादा के लिए मिनिमम एक्सचेंज रेशियो आपस में बराबर हो गए, तो हम एक काम करेंगे, उसी टेबल में जो स्लैक वेरिएबल मौजूद हैं उन कॉलम्स के पास चले जाएंगे, और स्लैक वेरिएबल में मौजूद कॉलम्स जो हैं उनमें हम कोफिशिएंट जो लिखे गए हैं उन कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे। यही लिखा गया है, डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ स्लैक वेरिएबल्स। लेकिन सवाल उठता है डिवाइड किससे करेंगे, उसके लिए लिखना डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ स्लैक वेरिएबल्स इन द सिंपलेक्स टेबल
सिंप्लेक्स टेबल वेयर डीजेनरेसी अकर्स, वेयर डीजेनरेसी, वेयर डीजेनरेसी अकर्स, ये केस कि जिसमें मिनिमम एक्सचेंज रेशियो आपस में बराबर जाते हैं, इसी केस को डीजेनरेसी कहा जाता है। वेयर द डीजेनरेसी अकर्स बाय द करेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर, बाय द करेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर इधर लिखते हैं, बाय द करेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर ऑफ द की कॉलम, ऑफ द की कॉलम, ऑफ द की कॉलम बाय द करेस्पॉन्डिंग नंबर्स, बाय द करेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर्स ऑफ द की कॉलम इन द रो, इन द रो, इन द रो स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम एक बार बोल लिख कर समझाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सिर्फ अभी रूल इसके बाद में समझा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फुल स्टॉप। सेकंड है कंपेयर द रेशियो इन स्टेप वन, कंपेयर द रेशियो इन स्टेप वन, और स्टेप वन से आपको जो रेशियो मिला है इन रेशियो को आपस में कंपेयर कीजिए, कंपेयर द रेशियो इन स्टेप वन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कंपेयर द रेशियो इन स्टेप वन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कॉलम वाइज, लेफ्ट टू राइट कॉलम वाइज कॉलम फुल स्टॉप। अगला लिखना ठीक, सेलेक्ट द रो दैट कंटेन्स, सेलेक्ट द रो दैट कंटेन्स द स्मॉलेस्ट रेशियो। अब सिर्फ पहले रूल लिख लो फिर हम समझा रहे हैं इसको, सेलेक्ट द रो दैट कंटेन्स द स्मॉलेस्ट रेशियो, पहले एक बार दोनों रूल लिख लो फिर हम समझाते हैं करना क्या है, वो कैसे है। जैसे मान लो हम सिंप्लेक्स मेथड से किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के दौरान पहली टेबल, दूसरी टेबल ऐसा बनता है, तीसरी टेबल या चौथी टेबल में कहीं पर भी बीच रास्ते में एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें जो मिनिमम एक्सचेंज रेशियो है टेबल के एक हल्का फुल्का खाकर खींच रहे हैं, वो समझना, इसे बनाने की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है बस। पहला कॉलम हमारे पास कौन होता है, सीबी, दूसरा कॉलम हमारे पास होता है वेरिएबल इन बेसिस कैपिटल बी, तीसरा कॉलम हमारे पास होता है बी जिसको हम लोग क्या कहते हैं एक्स बी, और इसके बाद यहां पर हमारे पास होता है एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एस वन, एस टू, आर्टिफिशियल जैसे मालूम है, और एस थ्री हम लिख देते हैं। अब हम अगला काम क्या करेंगे,
अब यहाँ पर होता है मिनिमम एक्सचेंज रेशियो, यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मुझको ये पता चलता है कि X2 और X3 जो कि यहाँ बेसिस में मौजूद हैं, एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि मान लो यहाँ बेसिस में X2 मौजूद है और यहाँ बेसिस में X3 मौजूद है, हमने इन दोनों के लिए मिनिमम एक्सचेंज रेशियो निकाला। तो मिनिमम एक्सचेंज रेशियो इनके लिए X2 के लिए और X3 के लिए बराबर आ गया। तो अब मेरे सामने दिक्कत हुई कि X2 और X3 में से बेसिस को छोड़ करके कौन जाएगा। अगर रूल भूल जाते हैं आर्बिट्री सिलेक्शन में, चाहे मर्जी X2 को बेसिस छोड़ करके बाहर कर दें, चाहे X3 को बेसिस से बाहर निकाल दें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा रूल भूलने पर। और अगर रूल याद रहता है तो रूल से सुनना कैसे हम इस स्टेप को, इटरेशन वाले नंबर को हम कम कर सकते हैं। हम करेंगे क्या, जिस जगह पर डिजेनरेसी आई है, इन दोनों का बराबर होना डिजेनरेसी है, जिस टेबल में डिजेनरेसी आई है, इसके पहले की किसी टेबल में नहीं, इसी टेबल में सारी चर्चा होगी जिसमें डिजेनरेसी अकर्स हुई है। यहां पर हम जितने हमारे पास स्लैग वेरिएबल रखे हैं उनके कोफिशियंट, यहां पर इनके कोफिशियंट मौजूद होंगे स्लैग वेरिएबल के, ठीक। हमारे पास की कॉलम का सिलेक्शन हो चुका है, जैसे मान लो हमारे पास x1 की कॉलम के तौर पर आ जाता है, यहां x1 की कॉलम के तौर पर आता है तो यहां x1 का भी कोफिशियंट मौजूद होगा। अब हम करेंगे क्या कि अगर x1 के कॉलम को देखेंगे, की कॉलम में हम चेक करेंगे जहां जहां पॉजिटिव है केवल पॉजिटिव लोगों से ही काम किया जाएगा, नेगेटिव लोगों से काम नहीं किया जाएगा। हम स्लैग वेरिएबल के कोफिशियंट को इसके ठीक सामने यहां बैठे हुए की कॉलम के कोफिशियंट से डिवाइड कर देंगे। इनको मैंने डिवाइड किया, फिर हम वही काम यहां पर भी करेंगे। स्लैग वेरिएबल में यहां पर जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो भी कोफिशियंट आ रहे हैं, इन कोफिशियंट को यहां की कॉलम में करेस्पॉन्डेंस में मौजूद इस कोफिशियंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद जो कुछ रेशियो आएगा उसको हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे, जिसमें मुझको सबसे पहले मिनिमम रेशियो नजर आ जाएगा बस उसी रो को चुन लेंगे और उसके सामने बैठे वाले को बेसिस से बाहर कर देंगे। वापस सुनना, यहां पर जो भी कोफिशियंट बैठे होंगे टेबल में उनको यहाँ की कॉलम में मौजूद करेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव कोफिशियंट से डिवाइड कर दिया जाएगा। डिवाइड करने के बाद लेफ्ट टू राइट हम कंपेयर करना चालू करेंगे। लेफ्ट टू राइट कंपेयर करने के दौरान जिस कॉलम में मुझको सबसे पहले मिनिमम रेशियो मिल जाएगा उसी रो को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और उस रो को जैसे मान लो यहां पर मैंने किया और यहां पर किया तो मुझको मिनिमम रेशियो यहां मिलता है और ये वाला रेशियो इससे बड़ा है, तो बस काम खत्म, इसी को सेलेक्ट कर लेंगे और x3 को बेसिस से छोड़ करके बाहर कर देंगे। अगर ये रेशियो मिनिमम मिल जाता है तो इनको छोड़ देंगे और तुरंत इसको सेलेक्ट कर लेंगे और x2 को बेसिस से बाहर कर देंगे। ये होता है प्रोसेस, और इस तरह हम अपने नंबर ऑफ इटरेशन स्टेप को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं, आप न्यूमेरिकल उठा रहे हैं, न्यूमेरिकल में इस बात को समझना, हम हर चीज बहुत ध्यान से इसको समझाएंगे। क्योंकि ये ऐसे मतलब हाइपोथेटिकली विजुलाइज करने जैसा लगता है, ये थोड़ा दिक्कत भरा होता है, न्यूमेरिकल भी करेंगे फिर सारी चीजें और क्लियर होंगी। प्रॉब्लम लिखना, जिनको की वर्किंग रूल नहीं समझ में आया है जरा भी टेंशन ना लें, प्रॉब्लम के साथ आए हम पूरा वर्किंग रूल फिर से वापस समझाएंगे। प्रॉब्लम दिया गया है सॉल्व मैक्सिमाइज जेड, सॉल्व सॉल्व मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x1 plus 9x2, 3x1 plus 9x2 subject to constant, subject to constant subject to constant x1 plus 4x2, x1 plus 4x2 less than or equal to 8, less than or equal to 8, x1 plus 2x2 ये आपका है less than or equal to 4, ठीक, and x1 comma x2 both are greater than or equal to 0। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म सॉल्यूशन,
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, दिया गया मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 9x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट सामने लिखा गया है। सबसे पहला काम करेंगे दी गई प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखना, यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे टेबल बनाने में आसानी हो। स्टैंडर्ड फॉर्म प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज जेड, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन गोल, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 9x2। अब डिसीजन स्लैश सरप्लस जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले हम कांस्टेंट पे आते हैं। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सुनना, x1 प्लस 4x2, और चूंकि लेस देन आर इक्वल टू है इसलिए स्लैश का इस्तेमाल करेंगे, प्लस s1 इज इक्वल टू कितना हो गया 8। अगले में आते हैं x1 प्लस 2x2, ठीक, फिर से वापस इनइक्वालिटी लेस देन आर इक्वल टू टाइप की है तो प्लस s2 और अगेन हो गया इज इक्वल टू कितना 4, चूंकि हमने केवल और केवल दो स्लैश का इस्तेमाल किया इसीलिए प्लस 0s1 प्लस 0s2, ठीक। एंड नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस, x1 x2 s1 s2 ऑल आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वेयर, जहां पर s1 s2 आर स्लैक वेरिएबल्स, आर स्लैक वेरिएबल्स, ठीक। अगला काम है इनिशियल सॉल्यूशन सेटअप, हम x1 और x2 को 0 सेट कर देंगे, बराबर के लेफ्ट साइड में s1 और s2 बचेगा। इनिशियल सॉल्यूशन में s1 इज इक्वल टू 8 आएगा, s2 इज इक्वल टू 4 आएगा, हम यहीं पर इसको लिख दे रहे हैं, तुम लोग चाहे तो यहां नीचे लिखना इनिशियल सॉल्यूशन। हमारे पास इनिशियल सॉल्यूशन के तौर पर आता है s1 इज इक्वल टू 8 कॉमा s2 इज इक्वल टू 4, ये रहा। अब टेबल सेटअप करते हैं, टेबल सेटअप सुना, हेडिंग डाल देना यहां पर टेबल सेटअप, हम लिख रहे हैं यहां पर पहला कॉलम सीबी वेरिएबल सॉरी कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, अगला कॉलम कैपिटल बी वेरिएबल इन बेसिस, अगला बी दैट इज इक्वल टू xb यानी वैल्यू ऑफ द बेसिक वेरिएबल x1 x2 s1 s2 x1 x2 s1 और s2, और यहां हम निकालेंगे मिनिमम एक्सचेंज रेशियो यानी xb अपॉन जो इनकमिंग वेक्टर बन रहा होगा। चलो ऊपर लिख देते हैं cj, शुरुआत करते हैं वेरिएबल बेसिस, पहले cj सजा देंगे 3900, यहां पर अपने पास आया 3900, ठीक। वेरिएबल इन बेसिस कौन कौन आ रहे हैं, s1 और अपने पास कौन आया s2, इनके कोफिशिएंट कितने हैं 0 0। देखना वैल्यू कितनी आ रही है s1 की, s1 की वैल्यू 8 आ रही है और s2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, कोफिशिएंट लिखते हैं x1 का 1 1 1 1 और इसके बाद फिर 4 2 4 2, s1 चूंकि पहले में है तो 1 दूसरे में नहीं है 0, s2 पहले में 0 दूसरे में 1, ठीक। शुरुआत करते हैं zj कैलकुलेट करने की, zj ये पूरा दोनों 0 0 है तो 0 into 1 0 0 into 1 0, ये रहा अपने पास 0, 0 into 9 सब 0 0 ही आएगा क्योंकि ये दोनों कौन है 0 है तो 0 0, cj माइनस zj निकालते हैं, cj माइनस zj, देखना 3 - 0 दैट इज 3, 9 - 0 9, 0 - 0 0, 0 - 0 0, ठीक। लार्जेस्ट पॉजिटिव हमारे पास ये निकल करके आता है तो यहां लिख देते हैं लार्जेस्ट पॉजिटिव, और ये लार्जेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब x2 enter the basis। आप पहले ये टेबल बना लो कितना लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, x2 enter the basis, मिनिमम एक्सचेंज रेशियो निकालेंगे थोड़ी देर बाद, पहले ये टेबल बन जाएगा। x2
मिनिमम एक्सचेंज रेशियो। टेबल बना लो, बोलिए तब शुरुआत करते हैं आगे। एक बार कंप्लीट हो फिर आगे लगाते हैं मेडिकल। और ये तो हटा ही सकते हैं। ध्यान देना, मिनिमम एक्सचेंज रेशियो निकालते हैं। ये है xb अपॉन x2, तो xb ये रहा 8 और ये कितना है 4, तो पहला तो हुआ 8 by 4 that is equal to 2। अगला देखना 4 by 2, 4 by 2 that is equal to 2, दो बराबर आ गए। टाई बिटवीन इनकमिंग टाई बिटवीन आउटगोइंग वेक्टर हुआ ये अपने पास। अगर हम गौर करें तो यहां पर आउटगोइंग वेक्टर के बीच में टाई हो चुका है। अब हमको नहीं पता कि हम s1 को बाहर करें या s2 को, फिर ध्यान रखना हम वापस घूम रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आए और एग्जाम में रूल भूल जाए, जो मर्जी उसको आप आउटगोइंग वेक्टर के तौर पर लेकर के चल सकते हो। हमारी मर्जी हम S1 को आउटगोइंग वेक्टर मान लें, हमारी मर्जी हम S2 को आउटगोइंग वेक्टर मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इन दोनों में से किसी को भी आउटगोइंग वेक्टर के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन अगर हम रूल को फॉलो करें तो हमारा नंबर ऑफ इटरेशन थोड़े से कम हो सकते हैं। रूल के हिसाब से देखना, जिन लोगों को रूल नहीं समझ में आएगा वो लोग बाकी सब लिखना बंद कर दो, वीडियो तुम्हारे ही पास रहेगा, फिर से वापस प्ले करके इसको लिख लेना। ध्यान रखना दोनों के बीच में टाई हो गया, करना क्या है वो सुनो। ये आपकी पहली रो है जो कि S1 के लिए बनी हुई है, ये आपकी दूसरी रो है जो कि S2 के लिए बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं रो, सबसे पहला का रो। इसके बाद ये हमारे पास हमारा की कॉलम मौजूद है, यहाँ पर हम लिख देते हैं की कॉलम। ध्यान से देखते रहना इस बात को, की कॉलम, ठीक। और यहां पर कॉलम लिख रहे हैं, कॉलम हमारे पास दो कॉलम मौजूद है जिनके बीच में टाई, एक ये कॉलम मौजूद है S1 का और एक कॉलम मौजूद है S2 का। तो ये हमारे पास कॉलम है S1 का, ये कॉलम हमारे पास S2 का। बहुत इत्मीनान से समझना, सबसे पहली रो है S1 के लिए तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं रो S1, दूसरी रो है S2 के लिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं रो S2। की कॉलम सुनो, की कॉलम का कोफिशिएंट है 4 और 2, तो हम यहां पर पहली वाली रो में जो कोफिशिएंट लिखा है उसको लिख रहे 4। ये S1 के ठीक सामने की कॉलम में मौजूद कोफिशिएंट, अगला सुनो S2 के ठीक सामने की कॉलम में मौजूद कोफिशिएंट अपना कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम यहां पर जो हमारे ये दो स्लैक वेरिएबल की पावर मौजूद है इनको लिख रहे हैं 1 10 और अगला हम लिख रहे हैं 0 1। रेशियो सुनना, यहां पर रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे निकलता है, जिन कॉलम के लिए हम करेंगे क्या, यहां पर जो 1 मौजूद है इसको इस 4 से डिवाइड लगाओ, 1/4। यहां पर मौजूद है 0 0/4, फिर सुनना ये 0 मौजूद है इसको इस 2 से डिवाइड लगाओ, 0/2 और ये 1/2। रेशियो तैयार हो गया। अब एक काम करो, लेफ्ट टू राइट कंपेयर करो, लेफ्ट टू राइट देखें तो ये कितना 1/4 पॉजिटिव, ये कितना 0, ये बड़ा है ये छोटा है, इनमें हम देखना पहला वाला कितना 0 और ये कितना 1/4, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर इसमें बड़ा रेशियो मिला फिर छोटा मिला और इसमें छोटा रेशियो मिला फिर बड़ा मिला। तो जिसमें सबसे पहले छोटा रेशियो मिला इसी को चुन लो, सामने कौन मौजूद है S2, S2 बेसिस को छोड़ करके चला जाएगा। वापस सुनना, हम सब मिटा रहे हैं वापस बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना इस रूल को, ये रूल फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ये टेंशन ना ले कि एग्जाम टाइम में ये रूल हमको बहुत जरूरी है याद ही रखना है, ना भूल जाओ, आर्बिट्री सिलेक्शन करो कोई दिक्कत नहीं। मेरे जैसे आदमी से कोई पूछे हम आर्बिट्री सिलेक्शन करेंगे, हम एक भी रूल ना याद रखें, लेकिन फिर भी इटरेशन को कम करने के लिए हम इन रूल को फॉलो करते हैं। सब मिटा दिए, वापस ध्यान दें किया क्या है। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा रो, ये हमारे पास मौजूद है रो, ठीक। यहां हम लिखेंगे की कॉलम, की कॉलम, ठीक। यहां पर हम लिखेंगे कॉलम्स, कॉलम, दो कॉलम यहां मेरे पास मौजूद है, पहला कॉलम S1 के लिए और दूसरा कॉलम S2।
ये कॉलम हमेशा और हमेशा स्लैक वेरिएबल के ही चुने जाएंगे, किसी और के नहीं चुने जाएंगे। तो दोनों स्लैक वेरिएबल की कॉलम ले ली मैंने S1 और S2। अब गौर करना, रो किसके किसके लिए है? पहली रो बनी हुई है S1 के लिए जो बेसिस को छोड़ के जा सकता है, दूसरी रो बनी है S2 के लिए जो बेसिस को छोड़ करके जा सकता है। की कॉलम में जो कोफिशिएंट मौजूद है उनको मैंने लिखा, 4 लिखा और 2 लिखा। यहां पर सुनो, S1 का कॉलम देखना 1 है और कितना 0, S2 का कॉलम देखना 0 है और कितना 1। अब हम एक काम करते हैं, यहां बैठे लोगों से इनको डिवाइड करते हैं, यहां बैठे लोगों से इनको डिवाइड करते हैं। 1/4, 0/4, 0/2, 1/2। लेफ्ट टू राइट कंपेयर करो और चेक करो मिनिमम रेशियो सबसे पहले किस पर मिल रहा है। ये 1/4, ये 0, ये रेशियो बड़ा है और ये छोटा है, यानी ये मिनिमम नहीं है। 0/2 यानी 0, 1/2 ये मिनिमम है। तो इन दोनों को कंपेयर करने पर मुझको पता चलता है लेफ्ट टू राइट जाने पर सबसे पहले मिनिमम रेशियो यहां पर टकराता है, यानी S2 बेसिस को छोड़ करके चला जाएगा और S1 अभी बेसिस में मौजूद रहेगा। अब ये कॉलम बना लो, फिर हम काम करते आगे। ये जहां पर ये टेबल बनी हुई है इसी के ठीक नीचे यहां पर इस चीज को बना लो और ऐसे घेरा मार दो, फिर हम आगे चलते हैं। नोट करो, इसमें हम लोग बस एक बात लिख देंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मिनिमम रेशियो अकर्स, मिनिमम रेशियो अकर्स इन S2। मिनिमम रेशियो किसमें मौजूद है? S2 में मौजूद है। सो इसलिए S2 लीव द बेसिस, इसलिए S2 बेसिस को छोड़ करके चला जाएगा। अब गौर करना, ये एरर बताया S2 लीव द बेसिस, S2 बेसिस को छोड़ करके जाएगा और दोनों के टकराव पर की एलिमेंट कितना आया हमारे पास? 2। ये हमारा मौजूद है की एलिमेंट, दिस इज आवर की एलिमेंट। ठीक, बस अगला काम राइट टेबल के लिए की एलिमेंट को सबसे पहले 1 बनाएंगे, फिर इसके ऊपर वाले को 0 बनाएंगे, वापस जड़जे, वापस सीजे माइनस जड़जे का कैलकुलेशन करेंगे। पूरा लिख लो तब फिर आगे बढ़ते हैं। इस रूल के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, हम बार बार कह रहे हैं अगर ये भूल जाए एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, हम रैंडम सिलेक्शन कर लेंगे। मेरी मर्जी हम अभी S1 को लीव द बेसिस कर लिए होते, कोई फर्क नहीं पड़ता इस रूल को याद रखें या ना रखें। ये रूल केवल और केवल एक बार में काम आता है कि आपका जो नंबर ऑफ स्टेप है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, और वो भी गारंटी नहीं कि कम होगा, हो सकता है। हाँ ये है कि अगर आपने रैंडम सिलेक्शन किया तो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, इसमें ज्यादा तो नहीं हो सकता, कम हो ये कोई बहुत जरूरी, दोनों के स्टेप बराबर आ सकते हैं। जैसे हमने S1 को बेसिस से बाहर कर दिया होता और S2 को अभी बेसिस में रखे होते तो हो सकता था उतने ही स्टेप में सवाल लग जाए जितने में अब लगने जा रहा है, हो सकता है नंबर ऑफ स्टेप बढ़ भी सकते थे। हो जाए तो फिर हम लोग आगे बढ़े। और न्यू टेबल यहां पर लिख रहे हैं इस बात को, की एलिमेंट इज इक्वल टू 2 डज नॉट इक्वल टू 1। सो इसलिए फॉर न्यू टेबल हम करेंगे क्या, ये जो आपकी सेकेंड रो है सेकेंड रो में हम 2 से डिवाइड करते हैं, यानी R2 new इज इक्वल टू R2 old डिवाइडेड बाय 2। अब मेरा की एलिमेंट ये कितना हो गया? 1 हो गया।
अब हम अगला काम क्या करेंगे, यहाँ चार से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में से घटा देंगे, यानी R1 new is equal to R1 old, पुरानी वाली पहली रो से R1 old में से घटा देंगे चार गुना R2 new, 4 times R2 new। चलो शुरुआत, फिलहाल S2 बेसिस को छोड़ करके चला गया, तो अपना कोफिशिएंट भी साथ लेकर के जाए। S2 की जगह बेसिस में कौन आ गया, X2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया X2, और X2 का कोफिशिएंट ऊपर कितना है 9, यहाँ पर हमारे पास आ गया 9। अगला काम, इस पूरे में 2 से डिवाइड करवाओ, तो 2 से डिवाइड, 4/2 मतलब 2 हो जाएगा ये अपने पास 2, 1/2 2 से डिवाइड लगाने पर ये हो गया 1/2, 2 से डिवाइड लगाने पर ये कितना हो गया 1 हो गया हमारे पास 1, बाद में ये ब्रैकेट हटा देंगे ये 0 ही रहेगा, ये 1/2 1/2, और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो हम वापस कैलकुलेट कर लेंगे फिर से, ठीक। चलो अब अगला काम, 4 से गुणा करके ऊपर से घटाना है, तो 4 × 8, 8 में से 8 गए, ये कितना अपने पास हो गया 0, ठीक। 4 से गुणा करो तो 4/2, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 4, यहां 2 है, 1 − 2 दैट इज −1। अगला, 4 × 4, 4 × 4 गए 0, ये अपने पास 0 हो गया, ये नहीं बदलेगा। 4 से गुणा करो 4/2, इसका मतलब 2 × 2, 2 आया, घटाएंगे तो ये −2, ये अपने पास आया −2। चलो ZJ CJ − ZJ फिर से कैलकुलेट करेंगे, ये ब्रैकेट अब हम हटा देते हैं, ध्यान ZJ निकालते हैं, −(0, 0) ये 9/2, ये अपने पास आता है 9/2। अगले निकालते हैं 0, 9, ठीक। अगले पे 1 × 0, 0, 9 × 0, 0। अगला 0, यहां से 9/2, 9/2, आओ घटाते हैं CJ − ZJ, 3 − 9/2, ध्यान देना 3 − 9/2, एक काम करते हैं 3 से गुणा 3 से भाग, तो 3 × 9/3, ये कर दिया, हाँ उल्टा कर दिया सॉरी, ये अपने पास है 3 − 9/2, 2 से गुणा 2 से भाग, तो 2 × 3 = 6/2 कर दो, अभी भी 3 लिखा है तो 6 में से 9 गए, −3 आया, तो −3/2 नेगेटिव आया, 9 − 9 = 0, 0 − 0 = 0, 0 − 9/2 − 9/2, R CJ − ZJ ≤ 0, यहाँ लिख देते हैं R CJ − ZJ ≤ 0, यानी कंडीशन ऑफ ऑप्टिमेलिटी अराइव, कंडीशन ऑफ ऑप्टिमेलिटी, कंडीशन ऑफ ऑप्टिमेलिटी अराइव, बेस्ट कंडीशन जो हमको चाहिए थी वो कंडीशन मिल चुकी है, बस सॉल्यूशन लिख दें काम खत्म। अब S1 की वैल्यू ऑलरेडी 0 आई है, हम सॉल्यूशन S1 के टर्म में बताएंगे भी नहीं, सॉल्यूशन जो भी बताया जाएगा डिसीजन वेरिएबल के ही टर्म में बताएंगे, ध्यान देना। मैक्सिमाइज जेड की बात करते हैं, सो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, निकालना सीखो कैसे, दिस इनटू दिस 0, 9 × 2, 9 × 2 = 18, तो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू अपने पास कितना आया 18 आया। सॉल्यूशन देखना, X1 चूंकि बेसिस में आया ही नहीं, X1 बेसिस में आया ही नहीं, तो X1 की वैल्यू कितनी चढ़ जाएगी 0, और X2 की वैल्यू उसके सामने मौजूद है कितना 2, तो X2 इज इक्वल टू 2, दिस इज आवर ऑप्टिमम सॉल्यूशन आंसर। ये रहा अगर आउटगोइंग वेक्टर के बीच में टाई हो तो कैसे, सेम कंडीशन की इनकमिंग में भी, रूल को फॉलो करना फॉलो करो, ना फॉलो करना ना फॉलो करो, आर्बिट्री सिलेक्शन आप लेना आप आर्बिट्री सिलेक्शन को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नोट करो। इस बार जो अगला टॉपिक करेंगे वो है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, जब आपके पास एक सॉल्यूशन मिल चुका होगा उसके अलावा भी आप एक और सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे, तो एक से ज्यादा कह सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपको मिलेगा तो आपका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होता है, ठीक। ये कंप्लीट हो जाए फिर अगला करवाएंगे अगले वीडियो में।